नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। और संडे की पहली बड़ी स्टोरी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जुड़ी है। शनिवार को हामिद अंसारी ने जी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। ये इंटरव्यू आज पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। इंटरव्यू उनकी नई किताब बाय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट पर आधारित था। जी न्यूज ने जब तक उनसे उनकी किताब पर सवाल किए तब तक तो वो जवाब देते रहे, लेकिन जैसे ही धर्मनिरपेक्षता सेक्युलर या हामिद अंसारी असहज हो गए, लिंचिंग को लेकर सवाल पूछे तो हामिद अंसारी सवाल को टालने लगे। और जब उन्हें लगा कि जी न्यूज उनसे मनपसंद सवाल नहीं पूछ रहा तो हामिद अंसारी ने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। यानी चाहे किताब हो या उनके बयान, मुसलमानों पर वो हमेशा असुरक्षा का कार्ड चलते हैं, मुसलमानों में डर फैलाते हैं। लेकिन जब डिजाइनर सवाल नहीं पूछे जाते तो वो असहिष्णु हो जाते हैं और गुस्से में इंटरव्यू बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात है? लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। सुना आपने, हामिद अंसारी साहब जी न्यूज के सवालों पर कितना उखड़ गए, कैसे नाराज हुए, क्या उन्हें गुस्सा होना चाहिए था या फिर सरलता से अपनी बात रखनी चाहिए थी? What is in the book, I will answer it. If you want to have a general discussion with me, you are welcome. जी न्यूज पर हामिद अंसारी का ये इंटरव्यू सुर्खियों में है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि हामिद अंसारी जी न्यूज के सवालों पर इतने असहिष्णु क्यों हो गए। हामिद अंसारी को उस भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए जिस भाषा का उपयोग ओवैसी जैसे नेतागण करते हैं। हिंदू आतंकवाद कहा जाता था, सेकुलरिज्म। आप एक एक करके इंटरव्यू का वो हिस्सा सुनिए। जी न्यूज ने उनकी नई किताब पर इंटरव्यू के दौरान उनसे उन्हीं के पुराने बयान पर सवाल पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि देश के मुसलमानों में वाकई असुरक्षा की भावना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ ऐसा है। आपने अगर कहा मुसलमानों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, इसमें क्या अजीब बात है? सब कुछ आप रहे, आखिरी दिन आपने कह दिया कि मुसलमान असुरक्षित इसलिए कि हैं। इसके बाद जी न्यूज ने सवाल को आगे बढ़ाया तो हामिद अंसारी ने मुसलमानों में असुरक्षा की भावना को लिंचिंग से जोड़ा। आपने कहा था कि मुस्लिमों में बेचैनी और असुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर? जब पब्लिक लिंचिंग होती है तो उसका क्या होता है? इसके बाद हामिद अंसारी से सवाल पूछे गए कि क्या देश में सिर्फ मुसलमानों की लिंचिंग हुई, हिंदुओं की नहीं हुई, तो सुनिए वो कैसे भड़कने लगे। सर, लिंचिंग तो हिंदुओं की भी होती है, आप मुझे बताइए ना। नहीं नहीं, लिंचिंग तो मैं आपको अभी त्रिलोचन महतो, धर्मराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं 10 नाम गिना सकता हूँ हिंदुओं की लिंचिंग हुई। यू आर वेरी वेल वर्स्ट इन इट, वेल एंड गुड। लिंचिंग का कोई धर्म नहीं होता। इस देश में ऐसे कई उदाहरण हैं जब दिल्ली से लेकर बंगाल तक हिंदुओं को पीट पीट कर मार डाला गया, लेकिन हामिद अंसारी को दिल्ली का अंकित सक्सेना और राहुल याद नहीं है, उन्हें सिर्फ पहलू खान याद है। और जब यही बात हामिद अंसारी से पूछी गई तो वो भड़क उठे। लिंचिंग का तो धर्म नहीं होता ना सर। लिंचिंग होती है विद अ सर्टेन दिस थिंग, डोंट ट्राई टू बी इनोसेंट। हामिद अंसारी ने अपने ही पुराने बयान पर खुद को घिरा पाया तो मुद्दे को लव जिहाद और तीन तलाक से जोड़ने की कोशिश की। जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं, क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी। कहां पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस मामले में? मेरे पास वो लिस्ट नहीं है। किसी के ऊपर लव जिहाद है, किसी पे ट्रिपल तलाक है। हामिद अंसारी ने पूरे इंटरव्यू के दौरान मुसलमानों में डर की बातें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर ही कही। इसके लिए उनके पास कोई ठोस आधार नहीं था, इसीलिए वो सीधा जवाब न देकर सवाल को टालने की कोशिश करते रहे। बार बार किताब के फुटनोट को ध्यान से पढ़ने को कहते रहे। जी न्यूज के एंकर अमन चोपड़ा की मानसिकता पर सवाल उठाए और अचानक थैंक्स कहकर इंटरव्यू से उठकर चले गए। यू आर वेरी वेल वर्स्ट इन इट, वेल एंड गुड। हामिद अंसारी देश के पूर्व उप राष्ट्रपति रह चुके हैं। उनसे देश को उम्मीद है कि वो हर पहलू पर, हर मुद्दे पर तोल मोल कर, जांच परख कर बोलेंगे। लेकिन यही हामिद अंसारी देश के मुसलमानों में डर बिठाने का काम कर रहे हैं, असुरक्षा की कार्ड से सियासत कर रहे हैं।
हामिद अंसारी ने जो कुछ भी कहा है सरकार के करीब आवे और देखें कि सरकार किसी के साथ नाइंसाफी नहीं कर रही है। तो जो कुछ भी हो रहा है सबके लिए हो रहा है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है। मुसलमान हिंदुस्तान में सुरक्षित है और आगे भी रहेगा। हामिद अंसारी से पूछा जाना चाहिए कि क्या इस देश में सेकुलरिज्म पर संकट 2014 के बाद ही आया? क्या उन्हें सिर्फ डिजाइनर सवाल ही पसंद है? मुसलमान डरे हुए हैं कि राजनीति आखिर कब तक? अमन चोपड़ा, जी मीडिया, दिल्ली। यू वॉन्ट टू डिस्कस व्हाट इज इन द बुक, आई विल आंसर। अब आपको दिखाते हैं हामिद अंसारी, पूर्व उपराष्ट्रपति, उन्हें भारत में क्या दिखाई नहीं देता है? उन्हें भारत में हिंदुओं की लिंचिंग दिखाई नहीं देती है? उन्हें हिंदू आतंकवाद कहकर हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश दिखाई नहीं देती है? मुसलमानों के लिए किए जा रहे सरकार के कई अच्छे काम उन्हें दिखाई नहीं देते हैं? बालाकोट में सेना का शौर्य उन्हें दिखाई नहीं देता क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए थे? विभाजन के लिए जिन्ना जिम्मेदार क्योंकि उन्होंने जिन्ना पोर्ट्रेट की मांग की थी? Presenting the news app, available on Google Play and App Store. Download it now.